सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएं, जोधपुर के फलौदी एसडीएम कार्यालय परिसर में स्थित उप कारागृह से 16 कैदी फरार हो गए। सोमवार रात करीब 8:30 बजे भोजन के समय 16 विचाराधीन कैदी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की और फिर आंख में मिर्च डालकर जेल से फरार हो गए। कैदी के फरार होने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जेल से एक साथ 16 कैदी फरार होने की सूचना मिलने की पुलिस एवं प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली है और आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सीसीटीवी का जो फुटेज सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझें कि ये किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखिए अंजाम दिया गया और कैसे ये बेखौफ होकर यहाँ से भागते हुए, आप देखिए एक के बाद एक सभी कैदी यहाँ से भागते हुए, भीड़ मौजूद है, ऐसा है नहीं कि यहाँ पर लोग मौजूद नहीं है, सभी मूक दर्शक बने हुए, सभी तमाम चीजों को देखते हुए और जो कैदी हैं वो फरार होते हुए। जी राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ से फरार हो रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। सब्जी और मिर्ची जो गार्ड वहां पर मौजूद थे, जो महिला थी वहां पर मौजूद, सबसे पहले उससे मारपीट हुई और उसके बाद और जो गार्ड थे वहां पर उनसे मारपीट हुई और उसके बाद ये सभी यहां से भागने में कामयाब हुए हैं। बताया जा रहा है इसमें से 3 बिहार के हैं जबकि बाकी सभी आसपास के स्थानीय हैं। ऐसे में अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर कब इनको वापस पकड़ा जाएगा और कैसे ये भागने में सफल रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद ये बेखौफ होकर यहाँ से निकले। गाड़ी इंतजार में थी, मतलब कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग भी होगी और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया होगा। सीसीटीवी फुटेज में ऊपर अग्रह से फरार कैदी एक बोलेरो कैंपर में सवार होते हुए साफ देखे जा रहे हैं। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है उससे बहुत कुछ क्लियर होता हुआ और इन तस्वीरों में कम से कम ये बात तो तय है कि बड़ी लापरवाही सामने आई है और सवाल अब उठेंगे और इन सवालों के जवाब भी अब जेल प्रशासन को देने होंगे।